आज मैं राष्ट्रीय लोकदल का महानगर अध्यक्ष पंडित दुर्गेश शुक्ला राष्ट्रीय लोकदल की तरफ से समस्त कार्यकर्ताओं की तरफ से आगरा महानगर के सभी सम्मानित व्यक्ति सम्मानित लोगों को नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। नया साल नई रोशनी लेके सभी लोगों को साथ में शुभकामनाएं और ये कहना चाहेंगे जो नए साल आए सभी लोगों का वो ढेर सारी खुशियाँ देता है। ये हमारा केपी इंजीनियरिंग कॉलेज एतमादपुर के छात्र छात्राओं द्वारा जिला मुख्यालय पर पहुंचकर एक ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में छात्रों ने कॉलेज प्रबंधन पर अवैध रूप से फीस उगाही की शिकायत की है। छात्र छात्राओं का कहना है कि झूठ बोलकर कॉलेज में एडमिशन कराए जाते हैं, उसके बाद अवैध वसूली की जाती है। नाम बता दीजिएगा। अविनाश सिंह। क्या मामला है? मामला ये है कि सर एक्चुअली केपी इंजीनियरिंग कॉलेज से हम छात्र हैं, तो एडमिशन टाइम पर जो कुछ बातें करते हैं और जो एडमिशन पे लेते समय बच्चों को बोलते हैं कि स्कॉलरशिप बेस पे आपका एडमिशन हो जाएगा, स्कॉलरशिप से हम फीस ले लेंगे और सेमेस्टर वाइज आपको फीस जमा करनी पड़ेगी, बहुत सारी फैसिलिटी बताते हैं, बट उसके बाद जब एडमिशन ले लेते हैं बच्चा तो उसके बाद उनको जब एग्ज़ाम आते हैं सेमेस्टर वाइज जो हमारे हैं एग्ज़ाम आने के बाद फिर वो बोलते हैं कि अब आपकी ईयरली वाइज समझ जाओ होगी कि कॉलेज का मैनेजमेंट ऐसा ही है, फिर बोलते हैं कि मेरे हाथ में कुछ नहीं है और ये तो गाइडलाइंस फॉलो करनी पड़ती है हमको, फलाना ढीका बहुत सारी बातें करते हैं। फिर उसके बाद बोलते हैं कि आपको एडमिट कार्ड तभी दिया जाएगा जब आपको पूरी फीस जमा होगी, सेमेस्टर वाइज की बात करते हैं, फिर उसके बाद बोल देते हैं कि सारी ईयर वाइज ही आपको जो जमा करनी पड़ेगी फीस जमा करने के बाद उसके बाद हमने वो फीस भी जमा कर दी थी, उसके बावजूद ईयरली वाइज भी सेमेस्टर वाइज बात की थी, उसके बाद ईयरली वाइज हमने फीस जमा कर दी, फिर उसके बावजूद भी उन्होंने बोल दिया कि अब सेमेस्टर क्या बोलते हैं प्लेसमेंट फीस चाहिए हमको। अब प्लेसमेंट फीस हम जो सेकंड ईयर के स्टूडेंट हैं हमें प्लेसमेंट नहीं चाहिए, ज़रूरी है वो बोलते हम। और कल हम सर के पास आए थे एडीएम सर के पास, तो वो बोल रहे थे कि सेकंड थर्ड ईयर के थर्ड ईयर में आपकी फीस लगती है प्लेसमेंट फीस, बट हमसे वो सेकंड ईयर में ही मांग रहे हैं, तो हम लोगों को फीस के नाम पर बार बार बच्चों को परेशान करते हैं ये कॉलेज वाले। अभी 3000 रुपये प्लेसमेंट की फीस पे मांग रहे हैं। कितने छात्र परेशान हो रहे हैं इस तरीके से? कल तो पूरी बीसीए आई हुई थी और जो थर्ड ईयर वालों को कल तो एडीएम सर के ऑर्डर दिए थे उन्होंने, तो उसके बाद उनको रिफ्यूज़ कर दिया। फिर शाम को 6 बजे तक हम लोग वहाँ पे बैठे रहे, उसके बाद हम लोगों का एडमिट कार्ड बहुत मुश्किल से एडमिट कार्ड तो दे दिया, फिर उन्होंने बोल दिया कि मतलब अब आप इंटरनल तो हमने हमारे कॉलेज से ही लोगे, तो अब इंटरनल में आप पास होकर के दिखाओ, डायरेक्ट उन्होंने ये बोल दिया है। कितने होंगे फिर भी लगभग? हाँ अभी तो मेरे साथ कुछ बच्चे कुछ स्टूडेंट ही आए हुए हैं, टोटल छात्र टोटल तो 20 या 25 लगभग स्टूडेंट हैं। मैं डॉक्टर प्रदीप प्रति शिवाजी मंडल अध्यक्ष अपने मंडल वासियों एवं शहर वासियों को नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामना देता हूं और आपसे एक विशेष अपील करता हूं, अपने आगरा को स्वच्छ बनाए रखें। और एक विशेष सूचना आपको देता हूं, जो सामान्य नागरिक का बिल आया है अच्छी हम लोगों के उसमें आया है पक्ष में आया है, इसको विपक्षी लोग आदमी को बहकाने की कोशिश करते हैं, उनके बहकावे में आए और अपना वातावरण को स्वच्छ बनाए रखें। लेटेस्ट खबरों से जुड़े रहने के लिए देखें हमारा YouTube चैनल, करें लाइक शेयर सब्सक्राइब।